गुड आफ्टरनून मंच पर विराजमान मंत्री जी, मेयर ऑफ दिस गाजियाबाद, अन्य अधिकारीगण, जगह विभिन्न जगहों से पधारे अतिथिगण, प्रेस मीडिया एंड भाई एंड बंधु, मुझे अभी बता कल कुछ दिन पहले बताया गया कि इस तरह की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और मुझे बुलाया गया, क्योंकि मैं यहाँ रहने वाला हूँ तो मैंने शहर से ये स्वीकार किया कि मैं इस कॉन्फ्रेंस में जरूर आऊँगा। थोड़ा सा बस इतना सा बताना चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत में की परिकल्पना जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1914 में की थी और जिसका क्रियान्वयन करने का निर्णय हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को लिया था, ये कहकर, और उस समय शायद हम किसी को नहीं लगता था कि हम भारतवर्ष में स्वच्छता की कोई बात कर सकते हैं। वो काम बिल्कुल अजीब लगता था और थोड़ा सी बात ऐसे लगती थी जैसे कि हम कोई हवा में बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि हम भारत को स्वच्छ कर रहे हैं। आंकड़े तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन दो बातें आपको बहुत क्लियर बता दूं कि ये स्वच्छता का जो कार्यक्रम सरकार का है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक समुदाय का नहीं है, पर पूरे व्यक्ति, पूरे राष्ट्र का है। आप में से हर व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है और इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। यही कारण है कि इस स्वच्छ भारत मिशन को हम जन आंदोलन के रूप में जानते हैं और ये प्रकृति हमें अभी देखने को सिद्ध भी हुई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 एक ऐसा टूल हमने बनाया था, ऐसा एक सिस्टम बनाया था जिसमें हम पूरे देश के शहरों को रैंक करते थे स्वच्छता के रैंकिंग पर, स्वच्छता का उनका क्या लेवल है, और वो टूल एक ऐसा सिस्टम बन के आ गया जिसमें कॉम्पिटिटिवनेस थी हर सिटीज में, कोऑपरेटिवनेस थी और सिटीजन्स का एंगेजमेंट था। स्वच्छता इस टूल स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में जनता का कितना सहयोग मिला, थोड़ी से आंकड़े बताऊंगा कि करीब 38 लाख लोगों ने स्वच्छता ऐप के माध्यम से हमें फीडबैक दिया, करीब 3 लाख लोगों ने फेसबुक ट्विटर पे दिया और करोड़ों लोग रैली, नाटक, कॉन्फ्रेंस और तरह तरह से इस स्वच्छता के आंदोलन से जुड़ गए। गाजियाबाद को बहुत बहुत मुबारक कि ये सिटी जो कि पिछले साल जब नगर निगम के कमिश्नर साहब ने मुझे गाजियाबाद में कब बुलाया था, तब मैंने उनसे ये कहा था बड़ा दुख होता है जब इसका नाम नंबर 351 पे आता है, 434 में 351 बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर था, भुसावल नहीं था, भुसावल को उस समय शायद कूड़ा घर, कूड़ा शहर के नाम से जाना जाता था। तो गाजियाबाद ने 351 से 38वें नंबर पे छलांग लगाई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कोई भी व्यक्ति अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि गाजियाबाद इतनी बड़ी लंबी छलांग लगा सकता है। ऐसे ही दूसरा शहर था जो 494 नंबर पे आया था, लगभग 400, उसने भी, भुसावल महाराष्ट्र का एक शहर है, उसने भी बहुत लंबी छलांग लगाई, 94 नंबर पे आया है। तो ये दिखाता है कि शहरों में कितनी कॉम्पिटिटिवनेस है, जो शहर बिल्कुल नीचे हैं वो भी इस स्वच्छता के आंदोलन में आगे आ सकते हैं। सारे देश के लोग जो ये सोचते थे कि हम नहीं स्वच्छ कर सकते, वो आज देश को स्वच्छ कर सकते हैं। कुछ और आंकड़े दूंगा
बत्सित करने के लिए कि हमने कहां पर पहुंच गए। कुल देश में इस समय 4,011 शहर थे, अगर हम 2011 की जनगणना लें, लेकिन आज के हिसाब से करीब 4,400 शहर हैं। करीब 3,000 शहर आज की डेट में अपने को ओपन डिफिकेशन से मुक्त कर चुके हैं। मतलब ये आपको आश्चर्यजनक नहीं लगेगा कि कल 4,000 शहर ऐसे थे मेरे पास जो ओपन डिफिकेशन से नहीं थे, और आज मैं 3,000 शहर, मतलब वर्तमान सरकार की एक बहुत बड़ी ग्रुप को ओपन डिफिकेशन से कंप्लीटली फ्री कर चुके हैं, उनमें गाजियाबाद एक है। हमारा टारगेट था कि हम पूरे देश में करीब 66 लाख अर्बन एरियाज में, मैं ये रूरल एरिया की फिगर नहीं बता रहा, वहाँ पे करोड़ों की टॉयलेट्स बननी थी। अर्बन एरिया में उस समय एक अनुमान लगाया गया कि कितनी टॉयलेट्स की कमी है, जो कि हम घरों में बना सकते हैं, इंडिविजुअल हाउस में बना सकते हैं, तो एक अनुमान के अनुसार उस समय 66 लाख टॉयलेट्स बनानी थी। आज की डेट में हमने करीब 57 लाख टॉयलेट्स बना दी हैं या बनने के कगार पर हैं। एक और अनुमान था उस समय में, टारगेट बनाया गया था कि हम 5 लाख पब्लिक टॉयलेट्स, क्योंकि बहुत सी हमारे देश में स्लम एरियाज हैं जहां हम उनके घर पर या उनके पास इतनी जगह नहीं होती कि हम पब्लिक टॉयलेट, उनको टॉयलेट इंडिविजुअल टॉयलेट्स बना सकें, तो वहां पर हमने कम्युनिटी टॉयलेट का कंसेप्ट लिया था। और इस तरह कम्युनिटी टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट्स बनाकर करीब हमें 5 लाख टॉयलेट्स बनानी थी। हम करीब 3,84,000 कम्युनिटी टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट्स बना चुके हैं। मतलब हमारा टारगेट ये था कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 अक्टूबर 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जन्मतिथि मनाई जाए, तो महात्मा गांधी जी की जो परिकल्पना थी स्वच्छ भारत की, उसको वर्तमान रूप, हकीकत रूप दे दिया जाए। लेकिन हमारी परिकल्पना है कि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री की जो का निर्णय है उसको हम एक साल पहले पूरा करें, 2 अक्टूबर 2018 तक पूरे अर्बन एरियाज को सैनिटेशन फ्री कर दें। दूसरा, लेकिन आज जो बड़ी खुशी है कि गाजियाबाद मूविंग में आ गया है, लेकिन गाजियाबाद को यहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं होना, गाजियाबाद को यहाँ से आगे जाना है और उन शहरों में जाना है कि हम शहर को कह सकें कि हम नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है। लेकिन कोई हर एक शहर नंबर 1 नहीं हो सकता, नंबर 5 नहीं हो सकता। और दूसरी प्रक्रिया, ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है कि जो नीचे रह गए शहर, जो अभी भी नीचे के नंबर पे हैं, उनको हम कैसे आगे लाएं। और एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे गार्बेज प्रोसेसिंग की, क्योंकि अभी भी गार्बेज का एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी केवल हम, जो कूड़ा जनरेट होता है उसका केवल हम 30% ही प्रोसेसिंग कर पाते हैं। ये फैक्ट है। और उसका सबसे बड़ा कारण एक है, चाहे वो 30 कारण के रूप में, चाहे 50 कारण के रूप में, चाहे प्लास्टिक कहे जाए, लेकिन कारण एक कि हम कूड़े को घर से अलग अलग नहीं कलेक्ट करते। अगर घर को कूड़े से हम अलग अलग कर लें, तो आपको जानते हैं कि गीला कूड़ा करीब 50% होता है, और जब वो कंपोस्ट बन जाता है तो वो केवल कंपोस्ट कुल 10-15% रह जाती है, तो कूड़ा वहीं ख़त्म हो जाता है। बाकी 30-40% जो कूड़ा रहता है वो सूखा कूड़ा होता है, और उसके लिए तो रैक पिकर्स या सब जगह, आपको नगर निगम के अधिकारी ज़्यादा बता पाएंगे कि किसी भी एरिया में जिनकी ये, जिस एरिया में जो रैक पिकर्स जो कूड़े करड़े से कलेक्ट करते हैं घरों से, उनको हटाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो सूखा कूड़ा है वो कूड़ा नहीं होता, वो वेल्थ होती है।
ये उदाहरण मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अभी मैं छत्तीसगढ़ में था और वहाँ पे कूड़ा 100% अलग अलग होता है, वहाँ सब कंसेप्ट है स्वच्छता दीदी। वहाँ के सब एरियाज में झारखंड और छत्तीसगढ़ और झारखंड दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर इसको काम किया, स्वच्छता दीदी। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, जो कूड़ा अलग होता है वो बकायदा इकट्ठा होने के बाद तालों में बंद किया जाता है, क्योंकि वहाँ कई बार चोरियाँ हो चुकी हैं उस कूड़े की। कभी 50,000 रुपए की चोरी हो गई, कभी 1,00,000 रुपए की चोरी हो गई। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर कूड़ा अलग हो जाता है तो कूड़ा कूड़ा नहीं रहेगा, कूड़ा संपत्ति बन जाता है। और जब वो कूड़ा अलग हो जाता है तो ये गाजीपुर जैसी समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं, पानी का एयर का पॉल्यूशन है जो हम पत्ती जलाते हैं वो भी खत्म हो जाता है, और पानी की जो गंदगी होती है जो ड्रेनेज ब्लॉक हो जाते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, प्लास्टिक की समस्या भी अलग हो जाती है क्योंकि सारी की सारी प्लास्टिक रिसाइकिल हो जाती है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ने एक नई कॉम्पिटिटिव नया टूल लॉन्च किया है और इसका नाम हमने रखा है गार्बेज फ्री सिटी स्टार्स। गार्बेज फ्री स्टार्स फ्री सिटी, जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी के पावर सेविंग के स्टार्स हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर और 7 नंबर, 3, 4, 5, 6 नंबर नहीं दिया है, 7 नंबर। ये लॉन्च हो चुका है, 9 इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप हम कर चुके हैं। 15 जुलाई को मैं, हमारा मंत्रालय इसको विधिवत कंप्लीशन सब बेड कैपेसिटी बिल्डिंग के बाद एक लोगों में राज्यों में ये लॉन्च कर देगा और उनसे एप्लीकेशंस मंगाएगा। कई राज्यों में इसके प्रति बड़ी कॉम्पिटिशन से लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है, सोच रहे हैं कि हम पूरे राज्य को 5-स्टार सिटी में स्टेट की श्रेणी में क्यों ना ला के खड़ा कर दें। गाजियाबाद से उम्मीद करूंगा कि गाजियाबाद भी इस प्रोटोकॉल की तैयारी करे, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट नहीं है, इसमें स्वच्छता की पूरी वैल्यू चेन है, यहाँ से लेकर कूड़ा कलेक्शन से लेकर कूड़ा सेग्रीगेशन, पब्लिक स्वीपिंग, टॉयलेट मेंटेनेंस, टॉयलेट की भी उसमें ग्रेडिंग है, फीकल मैनेजमेंट, CND वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, करीब इस तरह के 13 पैरामीटर्स हैं इंक्लूडिंग सीवरेज। जिस समय इससे हमें जो फायदा होगा, जो कंपटीशन रैंकिंग का तो होगा ही होगा, लेकिन हम अपने शहर को किस नंबर पर, किस स्टार पर खड़ा कर सकते हैं वो हम करने में सफल हो पाएंगे, और इसमें केवल नागरिक ही सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, क्योंकि हम ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये करते हैं कि हम सबसे बड़ा कूड़ा जगह जगह फैलाते हैं। मैं इस कॉलोनी में देखता हूँ कि ये डस्टबिन लगा के छोड़ते हैं, और उन घरों में वो घर वाले जिनके घरों में डस्टबिन है वो कूड़ा अपने डस्टबिन में न डाल के उस जगह फेंकते हैं जहां इन्होंने केवल राहगीरों के लिए कड़वी वो डस्टबिन लगा रखा है, पूरा का पूरा वो कूड़ा घर का ला के उस डस्टबिन में डाल देते हैं, वो एक बार में भर जाता है और फिर उसके बाद चारों तरफ कूड़ा इकट्ठा होने लगता है। तो एक बहुत बड़ी, अगर हमें स्वच्छ भारत बनाना है, मंत्रालय तो बहुत सारे काम कर रहा है, मैं इस समय पूरे मंत्रालय के जो कार्यक्रम है मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे वापस जाना भी है। बहुत तरह के हमने योजनाएं बनाई हुई हैं, कई तरह के इंटरवेंशंस किए हुए हैं ताकि इंक्लूडिंग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत इसके सिटीजन्स हैं। अगर सिटीजन्स ये ठान लेंगे कि हमें अपने गाजियाबाद को नंबर एक लाना है, तो कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि हम गाजियाबाद को नंबर एक न ला सकेंगे।
मंत्रालय पूरी कोशिश कर रहा है कि हम पूरे भारत को नंबर एक कर दें। एक बात और लास्ट में बता दूं कि ये स्वच्छता की समस्या हमारे देश की नहीं है, ये स्वच्छता की समस्या पूरी दुनिया की है। जापान 1960 में बहुत गंदा देश में से एक था, उन्होंने 20 साल लगे अपने को स्वच्छ करने में। हमें तो अपने समस्या को चैलेंज लेने के लिए अभी हमने 4 साल किए हैं और बहुत जल्दी इस स्वच्छता को हम समाप्त कर लेंगे। थोड़े से एग्जाम्पल और बताना चाहूँगा बस कि हम कहाँ पे पहुँचे हैं। करीब छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य है जो जीरो लैंडफिल की तरफ बढ़ चुका है, वहाँ कोई कूड़ा लैंडफिल में नहीं जाता। उनका अंबिकापुर सिटी मॉडल पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अपने इस मॉडल को काम करने के बाद 13 लाख रुपए पर मंथ खर्चे की कमी की है। दूसरा राज्य केरला, जिसने कूड़े की समस्या को जड़ से समाप्त कर दिया है, उनके यहाँ कूड़ा नगर पालिका नहीं उठाती, उनके यहाँ कूड़ा घर में ही प्रोसेस होता है, बाकी सूखा कूड़ा वहाँ डिपॉजिट सेंटर हैं, वहाँ जाके जमा करना पड़ता है या कोई और उठा ले जाता है क्योंकि वो कीमती होता है। गोवा ने एक ऐसा राज्य है, हम तो केवल दो में कहते हैं, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और एक हजार्डस कूड़ा, जो अपने कूड़े को 5 हिस्सों में डिवाइड करता है। उनके यहाँ 100% डोर टू डोर कलेक्शन है एंड ज़्यादातर घर या यूनिट्स या गांव अपना कूड़ा अपने ही निपटान कर देते हैं। गंगटोक 100% सोर्स एग्रीगेशन और क्लीन सिटी में नाम एक है। इंदौर भोपाल आप जानते ही हैं कि नंबर 1 है, नंबर 2 आया है, लेकिन उसका भी कारण सोर्स एग्रीगेशन है। नवी मुंबई, मैं बड़े अजीब बात लगती कि नवी मुंबई जैसा शहर जो कि कल तक बहुत गंदा शहर था, आज उसके यहाँ 88% सोर्स सेग्रीगेशन होता है। मैं खुद देखने गया था, बहुत साफ हो गया है। एक छोटा सा शहर है पानीगढ़, बम्बई महाराष्ट्र में पानीगढ़ में, 3 या 4 दिन पहले वहाँ पे था, 1 लाख से नीचे वाली आबादी वाली शहरों में वो नंबर 1 आया है। आपको देख के आश्चर्य होगा कि वहाँ पर कितनी सफाई है। कूड़े का, चाहे मैं सुबह 6 बजे उठाऊं, 5 बजे उठाऊं, किसी ने कोई सफाई नहीं की, कूड़े का नाम मात्र नहीं मिलता उस जगह पर। बस दो बातें, एक बात और कहूंगा गाजियाबाद से, गाजियाबाद बहुत आगे आ सकता है। एक तो मैंने आपसे कहा सोर्स एग्रीगेशन, और दूसरा जो यहाँ की सोसाइटीज हैं, जो यहाँ की RWAs हैं, जहाँ इनकी मार्केट प्लेसेस हैं, कम से कम इन जगहों पर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स हैं कि 100 किलो से नीचे कूड़े का निष्पादन उन्हें करना है, इसका सख्ती से पालन किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार और गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, गाजियाबाद का नगर निगम, दोनों मिलके गाजियाबाद को जो रैंकिंग अभी 38 आई है उससे बहुत आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।